हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डनिंग विद हितेश। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत और एक हार्डी सक्कुलेंट प्लांट के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है हवर्थिया। सक्कुलेंट्स जो हैं अपनी खूबसूरती के कारण ही जाने जाते हैं और काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे सक्कुलेंट्स होते हैं जो कि हार्डी हों और लॉन्ग लास्टिंग हो, आपके गार्डन में सालों साल बने रहें। उन्हीं में से एक सकुलेंट है हवर्थिया। हवर्थिया की काफ़ी वैरायटीज़ आती हैं, तो आज मैं आपसे इसकी जो है वैरायटीज़ शेयर करूंगा जो भी मेरे गार्डन में, और उसके साथ साथ इसकी जो है केयर टिप्स भी आपके साथ बताऊंगा कि आपने इसकी केयर कैसे करनी है। ये सबसे पहला जो है ये है जेब्रा हवर्थिया, और कॉमन होता है, नॉर्मली हर गार्डन में ये हमें देखने को मिल जाता है। और ये देखिए, छोटे से सेरेमिक पोट में मैंने इसे लगाया हुआ है, और छोटे छोटे पोट्स में, कप्स में काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है। इवन सारे सकुलेंट्स ही छोटे पोट्स कप्स में अच्छे ही ग्रो करते हैं। वाइट लाइनिंग से होती है, इसीलिए जो है इसे जेब्रा हवर्थिया कहा जाता है, और ये भी हवर्थिया की ही वैरायटी है, और इसका नाम है हवर्थिया लिमी फोलिया। सुपर हार्डी हवर्थिया की एक वैरायटी है। जब आप इसे धूप में रखते हैं तो ये ब्राउनिश सा कलर ले लेता है या ब्लैक हो जाता है, और जब आप इसे शेड में रखते हैं तो ये बिल्कुल एक ग्रीन कलर ले लेता है। और ये देखिए, छोटे से, बिल्कुल छोटे से सेरेमिक रैबिट प्लांटर में ये लगा हुआ है, और देखिए कितना अच्छे से ये खिल रहा है। ये भी जो है जेब्रा हवर्थिया की तरह सर्दी गर्मी दोनों ही अच्छे से बर्दाश्त कर लेता है, और ये भी एक हवर्थिया की वैरायटी है, लेकिन ये थोड़ी डेलिकेट है। जो मैंने पीछे आपको दो वैरायटी दिखाई उससे थोड़ी डेलिकेट होती है। एक्चुअली ये मैंने पूरा प्लांट ख़रीदा था, एक बड़ा सा, उसमें काफ़ी बेबी प्लांट्स थे, लेकिन वो सारे ख़त्म हो गए और एक मैंने अलग करके लगा दिया था, तो ये अब अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। ये जैसे एलोवेरा के लीव्स होते हैं ना, थोड़े सॉफ्ट से होते हैं, है ये भी हवर्थिया की वैरायटी। तो ये तीन वैरायटीज़ हैं मेरे पास हवर्थिया की, तो अब इनकी केयर भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे नंबर वन पे है सॉइल। सॉइल जो है हर एक सकुलेंट को वेल ड्रेन्ड ही पसंद होती है। हार्ड सॉइल, क्लेई सॉइल या डायरेक्ट कोकोपीट में आपने इसे नहीं लगाना है, इसे जो है वेल ड्रेन्ड सॉइल में लगाना है, और नॉर्मल गार्डन सॉइल में भी लगा सकते हैं जिस सॉइल में जो है पानी खड़ा ना होता हो, ठीक है। ये देखिए, ये भी एक वैरायटी है, लिमी फोलिया है, ये सबसे बड़ा वाला है, ये अभी मुझे किसी ने दिया था। और सॉइल में खाद की अगर बात करें तो गोबर खाद जो है अवॉइड ही करें किसी भी सक्कुलेंट प्लांट में। लीव कंपोस्ट डालिए या वर्मी कंपोस्ट डालिए। तो सॉइल की बात हमने कर ली कि वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात है लोकेशन। ये एक ऐसा प्लांट है जो फुल सनलाइट में भी चल जाता है, शेड में भी चल जाता है, आधे दिन की धूप में भी चल जाता है, लेकिन मई जून की तपती गर्मी में आपने इसे फुल डे की सनलाइट में नहीं रखना है। हाँ, आधे दिन के सनलाइट में रखेंगे तो इसे कुछ नहीं होगा, बहुत ही हार्डी है और सनलाइट को बहुत अच्छे से ये बर्दाश्त कर लेता है, ठीक है। और विंटर्स में तो आपने इसे पूरे सनी एरिया में रखना है, जहाँ इसे जो है पूरे दिन की धूप मिले, ठीक है, और बारिश में भी आसानी से चल जाता है। लेकिन अगर लगातार बारिश हो रही है और सॉइल एकदम आपकी जो है बिल्कुल गीली हो चुकी है, तो उस केस में आप इसे जो है एक दो बारिश में रख के आप इसे शेड वाली जगह पे, जहाँ पे बारिश का पानी ना आता हो, वहाँ पे इसे रख सकते हैं, ठीक है। कुछ डेलिकेट वैरायटीज़ हो सकती हैं हवर्थिया की, जो हीट और सनलाइट को ना टॉलरेट करती हो, पानी ज़्यादा ना टॉलरेट करती हो, तो उन्हें आप थोड़ा उस अकॉर्डिंग कर सकते हो। लेकिन जो मैंने आपको ये जेब्रा हवर्थिया और हवर्थिया लिमी फोलिया बताया है, ये आसानी से जो है चल जाता है। और प्रोपोगेशन की अगर बात करें तो ये वैसे जो है लीव्स भी प्रोपोगेट हो जाता है, और इसमें जो है फ्लावरिंग भी होती है, और कई बार जो है फ्लावर्स जो निकलते हैं वो स्पेंट होने के बाद उसमें भी बेबी प्लांट्स निकल आते हैं। लेकिन जो सबसे बेस्ट और इजी तरीका है वो है इसके पप्स को अलग करके लगाना। ये देखिए, ये दो साइड से आपको पप्स दिख रहे हैं,
अभी तो ये काफ़ी छोटे हैं, इतने छोटे आपने नहीं अलग करने हैं, थोड़े से जब बड़े हो जाएं, ठीक है, इसमें जो है एक बंच सा बन जाए अच्छा भरा हुआ, तो आप इसे जो है रूट्स के साथ ही अलग करके एक नए पॉट में इसे लगा सकते हो, तो काफ़ी इजीली ये ग्रो हो जाता है। तो ये सारी इसकी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है ग्रो करते टाइम। वैसे नॉर्मली ग्रो हो जाता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई स्पेशल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, लिक्विड फर्टिलाइज़र आप डाल सकते हो इसमें, ठीक है, वर्मी कंपोस्ट का या लीफ कंपोस्ट का। तो ऐसे ही सालों साल आपके गार्डन में बना रहता है और पानी भी बहुत ही कम मांगता है, और 1 महीने भी जो है बिल्कुल कम पानी में ये चल जाता है, ठीक है। तो ये सारी इसकी केयर टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं। नर्सरी में आपको कहीं भी मिलता है, किसी से मिलता है, किसी के घर से, क्योंकि ये काफ़ी जल्दी फैल जाता है, और आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें अगर आपको सक्कुलेंट्स रखने का शौक़ है और सक्कुलेंट्स जल्दी मर जाते हैं। तो ये एक बेस्ट सक्कुलेंट प्लांट है, हवर्थिया। तो आप इसे अपने जो गार्डन है उसमें ज़रूर ऐड करें। देखने में भी बिल्कुल आर्टिफिशियल सा प्लांट लगता है ये, ऐसे लग रहा है जैसे मतलब कि कोई कैक्टस सा लगता है वैसे ही, लेकिन है ये सक्कुलेंट प्लांट। तो यही थी एक छोटी सी वीडियो इसके केयर के बारे में। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।